वेलकम टू ऑल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। आज मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, क्या होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न और उसे क्या रीडिंग्स, क्या लर्निंग्स मिल सकती हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली कोई भी टाइम पे आपको प्राइस का ओपन, क्लोज, हाई और लो बताती है। सो फॉर एग्जांपल, पहले आप टाइम सेट करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ पे आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, कुछ भी सेट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली लोग 5 मिनट सेट करते हैं, मैंने 5 मिनट सेट किया है। और इस एग्जांपल में आप देखिए, ओपन 1179.1, दैट इज़ 1179 69 10 पैसे पे ये चीज़ खुली। ये जो कैंडल है ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं राइट हैंड साइड पे। और फिर ये क्लोज हुई है 1177.75 पे। ये देखिए थोड़ा नीचे, लगभग 2 रुपये 15 पैसे नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है। लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर भी गई थी, 1179.10 पे ओपन हुई थी, बट 10 पैसे ऊपर गई 1179.20 पे। और ये लो भी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी थी, ये नीचे गई है सीधा 1174.4। जो मैंने रेजिस्टेंस बना रखा था, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए। मैं इसके बारे में आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, बट क्योंकि अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो मैं जस्ट एक कैंडल स्टिक पैटर्न एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे यूज़र्स को। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1174.1 वहाँ तक गया है ये नीचे, राइट। तो इस हिसाब से ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे तो फिर ये ओपन हुई है 1177.75 अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें ये क्लोज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एग्जैक्टली उसी पे ही, वही प्राइस पे ओपन होता है। कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे हल्की सी वेरिएबिलिटी आ जाती है। अब देखिए यहाँ ओपन हुआ है, अब इसमें जो फाइनल क्लोज हुआ है शेयर प्राइस, वो ऊपर क्लोज हुआ है 1180.4। दैट्स वाई आप देख सकते हैं इस कैंडल का कलर इज़ ग्रीन। जो पिछला कैंडल था, क्योंकि वो नीचे क्लोज हुआ था इस कारण उसका कलर रेड था, ये क्योंकि ऊपर क्लोज हुआ है इस कारण इसका कलर ग्रीन है। और इसका हाई भी 1180.6, और जो कि थोड़ा ऊपर था, और जो लो भी 1177 तक गया था जो कि इससे थोड़ा नीचे। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ कैसा हुआ होगा, बेसिकली उस वक्त यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया, मोमेंटम था, फिर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ आके क्लोज हो गया। तो एक तरीके से आपको मोमेंटम दिखता है, जो कलर है ग्रीन कलर है वो बताता है कि ऊपर गया है, और साथ के साथ में मोमेंटम भी दिखता है। और अब यहाँ पे आप इसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको हाफ एन आवर कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कैंडल बन गई, हाफ एन आवर की कैंडल बन गई। तो और सेम प्रिंसिपल जो हमने अभी डिस्कस किया है, सेम चीज़ अप्लाई होता है। यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, यहाँ पे 318,000 वॉल्यूम है। तो एक वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेड में, आप देख ये भी देखना चाहिए कितना वॉल्यूम है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम है तो मतलब ज़्यादा मोमेंटम है, देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा वॉल्यूम है। और ये देखिए उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है, अब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं उस ट्रेड के लिए, तो ये भी ज़रूरी है ध्यान रखना। और ये तरह तरह कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन क्लोज दोनों एग्जैक्टली सेम प्राइस पे, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे, और जो फिंस बनती है, और सिमिलरली एक कैंडल जो कि पूरी की पूरी बॉडी है, तो इसको बॉडी कहते हैं, जो बाहर वाले हैं जो इधर जो लाइंस बनी है उसको फिंस कहते हैं। अभी मैं आगे आने वाले जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पे उस पर बात करूँगा कि एग्जैक्टली इनका काम क्या होता है, तरह तरह कैंडल स्टिक से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या यूज़फुलनेस होती है, उसके बारे में आगे बात करूँगा। सो ये था कैंडल स्टिक पैटर्न, हाउ व्हाट डज इट मीन। ये एक्चुअली जापान में पहले डिस्कवर हुआ था। सबसे पहले जापनीज़ फार्मर्स यूज़ करते थे इसको, और फिर ये स्टॉक मार्केट में आया करीब 20-30 साल पहले, और तब से ये ऑल द टाइम यूज़ हो रहा है। तो
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं आगे बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस करके मैंने गेन करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ट्रेडिंग वेल। थैंक यू।